नमस्कार दोस्तों, आज जो है हमारे पास एक्स टूल का S6 प्रो है और मैंने ये टूल टीम व्यूवर पर लेके मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस टूल के अंदर क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है, क्या कौन कौन सी गाड़ी में काम करता है और इसका जो है सर्विस में कौन कौन सी गाड़ी और क्या क्या काम करता है। तो आप जो है इसके अंदर सर्विस में जाके सर्विस मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और इसके अंदर जो है आप स्टेयरिंग एंगल एडजस्टमेंट, DPF, क्रैंक शाफ्ट सिंक्रोनाइजेशन और इंजेक्टर कोडिंग, सिलेंडर, ये सारा काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अमेरिका में, जैसे जीप और GM हमारे इंडिया में चलती है, तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग गाड़ी दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसके अंदर यूरोप का है, यूरोप में वॉक्सवैगन, फोर्ड, जगुआर, रेनॉल्ट और इसके अंदर जो है बेगाटी, मर्सरीज बेंज, ओडी, BMW, यूरोप के अंदर सारी गाड़ी आ गई। उसके बाद एशिया दिया हुआ है, एशिया के अंदर जो है आपका टाटा, टोयोटा, होंडा, हुंडाई, महिंद्रा, मारुति, सारी गाड़ी जो एशिया की, एशिया में आती है हमारी कंट्री, तो इसके अंदर आपको सारी गाड़ी मिल जाएगी। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गाड़ी चलती है वो सारी गाड़ी है इसके अंदर। उसके बाद जो है चाइना का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं इसके सर्विस में जाके इमोबिलाइजर सिस्टम में दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन सी गाड़ी में जो है ये काम करता है इमोबिलाइजर चाबी का काम। तो आइए देखते हैं। ये रहा हमारा इमोबिलाइजर सिस्टम। इमोबिलाइजर में जो है आप इन सुजुकी, दो सुजुकी का ऑप्शन आ रहा है, इन सुजुकी, सुजुकी, महिंद्रा, हुंडाई, जीप, फोर्ड और हुंडा, टाटा, टोयोटा। उसके बाद जो है इसके अंदर और भी है, किया, निसान, नेक्सोन, किया है और MG हेक्टर है दिया हुआ है। लगभग में सारी गाड़ी है जिसका अभी से जो है आप इमोबिलाइजर का और इमोबिलाइजर ECU, ECM लॉक, अनलॉक, स्मार्ट की प्रोग्राम कर सकते हैं और महिंद्रा का DPF भी रीसेट कर सकते हैं आप S6 प्रो से। तो इसके अंदर सारा फंक्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ये सॉरी, ये इमोबिलाइजर खुल गया है, हम आते हैं इससे बैक, ओपन करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखेंगे कि कौन कौन सी गाड़ी में जो है ये काम करता है और कौन कौन से मॉडल में जो है ये काम करेगा। तो ये लोडिंग ले रहा है डाटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें लोड होने में। ये लोड हो गया है 50%। ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ओडी, बेंटली, बेंज, फेथ, फरारी, क्रेटोन, निसान, नेक्सोन, सुजुकी, टोयोटा, टाटा, वॉल्वो, वॉक्सवैगन, तो सारी गाड़ी है इसमें। आप जो है सारी गाड़ी का जो है आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाके अपनी गाड़ी का जो है मीटर बैक कर सकते हैं। ज़्यादा केस प्रॉब्लम आती है नई न्यू गाड़ी में, जैसे आप सर्विस जो है उसकी एक लिमिट किलोमीटर के बाद जो है आपको सर्विस करनी पड़ती है, लेकिन कस्टमर जो है ज़्यादा किलोमीटर चलाने के बाद उसके बाद सर्विस करवाते हैं, तो उस केस में जो है आप सर्विस करने के बाद भी आप जो है उसका माल फंक्शन की लाइट या फिर इंजन की लाइट जो है नहीं जाती है, तो उसके लिए जो है ना हम किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसकी जो है लाइट चली जाती है, तो उसके लिए जो है आपको ये मीटर करेक्शन का टूल चाहिए। तो आप S6 प्रो से जो है मीटर का काम कर सकते हैं और ये स्विफ्ट का है जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 2018 तक का जो है स्विफ्ट की आप मीटर बैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।